हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले हमने काफ़ी सारी क्लासेस दे दी हैं, जिसने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट हमने साइड में बना दी है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। देखिए, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, कोई भी बुक पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर चीज़ सीक्वेंस में मिल जाएगी। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है बिल्कुल फ्री में, तो हमारी 3 प्लेलिस्ट हैं, आप कंप्लीट में थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चितेरे का नोट्स पढ़ना चाहते हैं, चितेरा नोट्स की प्लेलिस्ट बनी है। और भी मतलब आप देख लीजिएगा, जो आपको ज़रूरत हो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट सारी बनी हुई हैं, प्रैक्टिस सेट की हो, यूथ की हो, घटना चक्र हो, कोई भी हो, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए आज हमें पढ़ना क्या है, आप सभी को पता है ना, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार और साथ ही साथ आपको ललित मोहन सेन, ये दो कलाकार आज आपके बिल्कुल से छूमंतर होने वाले हैं। क्योंकि आज हम आपको बिल्कुल से इन शॉर्ट कहा जाए तो इन शॉर्ट बिल्कुल ऐसा रामवार चीज़ देने वाले हैं क्यों जो आपके एग्ज़ाम में 100% मार्क करेगा। और हमें नहीं लगता कि इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर घुस घुस के पूछा जाए, लेकिन जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, कह दिया जाए कि क्रीम टाइप का, तो बस वही आपको क्रीम मक्खन हर चीज़ मिल रही है इधर पे। तो इसके पहले हमने काफ़ी सारी बना दी हैं क्लासें, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो फटाफट से कर लीजिएगा। और हाँ, जब ये क्लास हो जाए, नीचे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार हम देख लें कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए फटाफट से, बाकी लास्ट में ले लीजिएगा नहीं तो। चलो, तो देखिए, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के बारे में। इस पार्ट में हम आपके क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को पढ़ेंगे एंड इस पार्ट में आपके ललित मोहन सेन को पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के बारे में कि इनका जन्म कब होता है। इनका जन्म कब होता है तो याद रखना है, 31 जुलाई 1891 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर याद रखना है, मुर्शिदाबाद जिले के जगताई ग्राम में। कभी कभी ग्राम भी पूछ लेता है, तो याद रखना है कहाँ पर, आपके मुर्शिदाबाद जिले के जगताई ग्राम में। और ये पड़ता कहाँ पर है तो आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा जाएगा कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की जो शिक्षा है वो कहाँ से इन्होंने ग्रहण की है, इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ से ग्रहण की है। तो याद रखना है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। कहाँ से, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने शिक्षा ली है। अगर गुरु का नाम पूछते कि इनके गुरु का नाम क्या है तो क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। आगे, 1942 से 64 ईस्वी के बीच का जो ये टाइम पीरियड है आपका, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे हैं। टाइम पूछ लेता है इसलिए टाइम को याद रखिएगा, कब से कब है आपका। तो ये 1942 से लेकर 64 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड मिलता है हमें, वो कौन सा मिलता है आपका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये अध्यक्ष होते हैं। और ये यहीं पर रुचि कला विभाग की स्थापना करते हैं। किसकी, रुचि कला विभाग की स्थापना कौन करते हैं, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार करते हैं। कहाँ पर करते हैं, इलाहाबाद में करते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब पूछा जाता है कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को अन्य किस नाम से जानते हैं। कभी कभी बोल देता है कि संत चित्रकार कौन है, तो आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा कलाकार है जिसको हम संत चित्रकार बोलते हैं। तो कौन है आपके, यही हैं आपके क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। आगे बढ़ते हैं, तो भावों का सम्राट पूछ लेगा, भावों का सम्राट किसको कहते हैं, तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। चैतन्य सिद्ध, तब भी क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार।
तो कोई भी इनमें से नाम दे दे, आपको याद रखना है किसका होगा, चितेंद्रनाथ मजूमदार का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछ लेगा चित्रों का विषय, इनके जो चित्र थे उनका विषय क्या था, तो याद रखना है वैष्णव धर्म पर ये आधारित जो चित्र बनाते थे, याद रखना है। आगे चलते हैं, चलिए हाँ आगे चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु से ये प्रभावित थे, कौन, चितेंद्रनाथ मजूमदार। किससे प्रभावित थे आपके, चैतन्य महाप्रभु से। फिर पूछ लेगा कि ये जो चित्र बनाते थे वो किस माध्यम में बनाते थे, तो याद रखना है कौन कौन सा माध्यम है, ये जल रंग है और आपका टेम्परा माध्यम है। ठीक है, आगे एक याद रखिएगा, बिहार का ड्रामा मतलब समूह है, बिहार का एक ड्रामा समूह है जिसका नाम है यात्रा दल। क्या नाम है, यात्रा दल नाम है। और इसकी जो सज्जा की थी, इसकी जो सजावट की थी वो किसने की थी, तो आपके यही क्या नाम है इनका, चितेंद्रनाथ मजूमदार ने की थी। कहाँ की सज्जा, यात्रा दल की। ये है क्या, ये आपका बिहार का एक ड्रामा समूह है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आता है गीत गोविंद चित्रावली। तो ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये मतलब कहाँ से प्रकाशित की गई थी, इलाहाबाद से प्रकाशित की गई थी। आगे चितेंद्रनाथ, एक कोटेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जया अप्पा स्वामी ने एक कोटेशन कहा है चितेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में, तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे कोटेशन दे देगा फिर पूछ लेगा कि ये किसने कहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये चितेंद्रनाथ के रंग व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों का आभास होता है। क्या बोला इन्होंने कि चितेंद्रनाथ के रंग व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों का आभास होता है, ये कहने वाले कौन है, जया अप्पा स्वामी। किसके लिए, चितेंद्रनाथ मजूमदार के लिए इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, देखिए क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंटेंट जो मिल रहा है एकदम सेलेक्टेड है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाने हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, सभी को देखना है और क्लास को शेयर भी करना है सभी तक। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि जो क्लासें हैं बिल्कुल पटरी पे चल रही है और दनादन तरीके से चल रही है। ठीक है, चलिए, और क्लास नहीं लाइक की है तो फटाफट से कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके जो चित्र हैं फेमस, देखिए फालतू के चित्र नहीं पढ़ना है, हमने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो फालतू के चित्र नहीं पढ़ने हैं, जो मेन मेन चित्र हैं आपके, जो मेन मेन सिलेक्टेड चित्र हैं वो केवल पढ़ लीजिए, उतने से ही काम हो जाना है। तो इन्होंने जो चित्र बनाए हैं चितेंद्रनाथ मजूमदार ने, वो कौन कौन से हैं। पहला है चैतन्य का गृह त्याग, इसकी मतलब कि इसका संग्रह अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप, भारत कला भवन वाराणसी में इसका संग्रह है। पहली बात तो चैतन्य का गृह त्याग किसने बनाया है, चितेंद्रनाथ मजूमदार ने। कहाँ पर इसको संग्रहित किया गया है, तो याद रखना है ये भारत कला भवन वाराणसी में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे बालक ध्रुव की तपस्या, गीत गोविंद, चित्र श्रृंखला, ये सब भी इन्हीं के चित्र हैं। फिर है राधा, ये भी इसको भी जो संग्रहित किया गया है यही भारत कला भवन वाराणसी में किया गया है। आगे है रासलीला, जो कि 1926 में दिल्ली में मतलब संग्रहित है, और ये पालित मृग है। ये सब जो चित्र हैं आपके किसके हैं, चितेंद्रनाथ मजूमदार के हैं, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बोर्ड में देखे है तो बहुत सारा, बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है चीज़ें, लेकिन हमने यहाँ पर जो लिखी हुई हैं बिल्कुल से सिलेक्टेड चीज़ को ही लिख दिया है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मृत्यु के बारे में कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो याद रखना है 9 फरवरी 1975 में इलाहाबाद में होती है। कहाँ पर होती है, इलाहाबाद में होती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ से जो आपके चितेंद्रनाथ मजूमदार थे, इनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे मतलब पॉइंट थे वो बन सकते थे, वो हमने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं आपके ललित मोहन सेन के बारे में, तो यहाँ से देख लेते हैं इनका जो जन्म होता है वो होता है 1900 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। 1900 ईस्वी में जन्म होता है, और कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, कौन से जिले में, नादिया जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 1912 से 17 ईस्वी के बीच में जो ये ललित कला में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है, कहाँ से, लखनऊ से प्राप्त किया है, याद रखना है। एंड आगे इनके गुरु का नाम पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ललित मोहन सेन जो हैं इनके गुरु कौन थे, याद रखना है।
तो ये नेथेनियल हर्ट थे और ये एक अंग्रेज शिक्षक थे। कौन थे ये? अंग्रेज शिक्षक थे, याद रखना है। आगे इन ये जो है ना, ये पता है किस किस चीज़ में पारंगत थे, मतलब किस किस चीज़ में इनकी बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज था, तो याद रखना है मुखाकृति चित्रण, तेल रंगों में भूखंड चित्रण और कास्ट इनग्रेविंग चित्रण। इन चीज़ों में ना ये बहुत भयंकर तरीके से फुल थे, मतलब कि बिल्कुल से फुल टाइप से थे, इनको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आती थी। आगे ग्राफिक विधा की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब सॉरी ग्राफिक विधा की जो शुरुआत की है उत्तर प्रदेश में किसने की है, तो यही आपके ललित मोहन सेन है, इन्होंने ही ग्राफिक विधा जो है अपने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की थी। ठीक है, आगे 1926 ईस्वी में ये अधीक्षक थे ड्राइंग टीचर्स क्लास के, 1942 ईस्वी में ये अधीक्षक थे शिल्प कला विभाग के, और 1945 से 54 ईस्वी में प्राचार्य थे कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ। ये तीनों जगह कहाँ पर थे? लखनऊ में ही। कब? लखनऊ में 1926 में अधीक्षक थे, कहाँ पर? ड्राइंग टीचर्स क्लास में। फिर लखनऊ में 1942 ईस्वी में अधीक्षक थे शिल्प कला विभाग में, और 1945 से 54 ईस्वी में ये प्राचार्य थे कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में। ठीक है, समझ में आ गया ये तीनों जगह कहाँ है? लखनऊ की ही बात हो रही है। आगे अब इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चित्र हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो क्या है चित्र? ग्राम दृश्य, जो कि लीनोकट में बना है। चिंतन है, बालिका है, पेन पेंसिल से बनाया गया है इसको। पतझड़, स्नान ग्रह, पनिहारिन, ये सब जो चित्र हैं वो किसके हैं? ललित मोहन सेन के हैं। किसके चित्र हैं ये सब? ललित मोहन सेन के हैं। और इनकी मृत्यु होती है 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी में लखनऊ में होती है। किनकी? ललित मोहन सेन की। एक बार फिर से सुन लीजिए एक बार फटाफट से, जो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं इनका जन्म कब होता है? 31 जुलाई 1891 में मुर्शिदाबाद जिले के जगताई ग्राम पश्चिम बंगाल में, और मृत्यु कब होती है? 9 फरवरी 1975 में इलाहाबाद में। इनके गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। शिक्षा कहाँ से ली है? तो ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से ली है। ऐसे ही ललित मोहन सेन हैं, इनका जन्म होता है 1900 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में, और जो इनके गुरु थे वो कौन थे? नेथेडियल हर्ट थे और अंग्रेज शिक्षक थे ये। पूछ लेगा मृत्यु कब होती है? तो ये आपके 2 अक्टूबर 1954 में लखनऊ में होती है। अब बताइए क्लास आपको कैसी लगी? थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल सकता है इस क्लास से? बताइए जल्दी से फटाफट से। सभी को बेहद क्लासें पसंद आ रही हैं, और पिछली क्लासें जो हो चुकी हैं वो भी बहुत लोगों ने पसंद की हैं, इसलिए सभी लोग जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं, जो बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है तो उसके लिए बता रहे हैं जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी जो कंटिन्यू क्लासें हो रही हैं आपकी डेली, उसको तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से ले लीजिए।